हेलो ऑल दिस इज़ सान्वी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल फुलज सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ जो लोग रीडिंग के लिए पेंडिंग थे उनको मैंने रीडिंग्स शेड्यूल कर दी हैं और जो हीलिंग के लिए जिनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा था आप लोगों के हीलिंग के सेशंस हो रहे हैं लेकिन आपको कंप्लीट मैसेजेस रूटीन में आपको थर्ड जून के बाद मिल पाएंगे ओके बिकॉज घर में कुछ एडजस्टमेंट्स हमें भी करनी होती हैं तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी अपनी प्लीज़ शो कीजिए टफ टाइम होता है हर इंसान की जिंदगी में आता है तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी से अगर आप लोग कॉपरेट करेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर मी आल्सो ठीक है मेरे लिए अच्छा होगा मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा ऑब्वियसली एक बहुत ही बुरा वक्त बुरा दौर से हम लोग गुजर रहे हैं लेकिन डिवाइन की मर्ज़ी के बिना तो कोई चीज़ नहीं होती है और जो चीज़ हुई है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है फैमिलीज़ में एडजस्टमेंट करने में थोड़ा वक्त लगता है तो उसी के चलते थोड़ा सा स्पेस आप लोग मुझे प्रोवाइड कीजिए ओके और रीडिंग्स होनी स्टार्ट हो चुकी हैं हीलिंग्स हो रही हैं लेकिन उसके लिए मैं डेली इन्फॉर्मेशन जैसे मैं दिया करती हूँ वो मैं नहीं दे सकती ओके okay? तो वो भी टिल थर्ड फोर्थ जून तक है तो उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके हीलिंग सेशंस और आपकी रीडिंग्स की तो चलो साथ साथ चलेगा ही सो कमिंग टू दिस वीडियो आज मैं पेकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि नेक्स्ट सेवन डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं तो इसके लिए ये पाइल नंबर वन है ये पाइल नंबर टू है ये आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से पाइल की सिलेक्शन करेंगे तो दिस इज़ पाइल नंबर वन दिस इज़ पाइल नंबर टू बड़े ध्यान से देखिए ओके अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप इस पाइल की सिलेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेवन डेज अगले सात दिनों में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं लेट्स सो जिन्होंने पायल नंबर वन चूज़ किया है लेट सी आप लोगों की लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिश्ते के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड जो लोग मुझे मंथली प्रडिक्शन के लिए बोल रहे हैं मैं आपको बता दूं कि अगर तो टाइम ऐसा हुआ टाइम मुझे इस तरह का मिला कि मैं कर पाई तो मैं करूंगी नहीं तो जून की मंथली प्रोडक्शन शायद नहीं आएंगी इस बार और रिगार्डिंग करियर रीडिंग्स करियर रीडिंग्स डेफिनेटली मैं करूंगी और थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो तो देखते हैं जिन्होंने पायल नंबर वन चूज किया है आपके रिलेशनशिप में अगले सात दिनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं लेट्स सी तो द फूल का, का कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है व्हाट एल्स द मून का कार्ड है व्हाट एल्स टेन ऑफ कप्स का कार्ड है फाइव ऑफ वैन मो कार्ड आई टेक आउट एस ऑफ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर ओके इन कार्ड से देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं अगले सात दिनों में आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी में लेट्स सी दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेवन डे पहले तो पेशेंस का कार्ड है डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है ओके वट इज इमोशनल लॉस का कार्ड है मूविंग ऑन का कार्ड है प्रॉस्पैरिटी बिगेन्स का कार्ड है यूनिवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द टेक पर ट्राइम का कार्ड है सो so, जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है सबसे पहले तो आप लोगों के रिश्ते में एक नई अपॉर्चुनिटी जिसकी तलाश आपको थी कि ये रिश्ता ठीक हो पाए आपके पार्टनर बहुत खुलकर आपसे बात कर पाए आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आपके सामने रख पाए आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक मौका दें अपनी जिंदगी को एक मौका दें इस रिलेशनशिप के बारे में एक बार सोचें ऐसा वक्त आपके लिए नेक्स्ट सेवन डेज में आ रहा है आप जो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते थे वो चांस यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है द दार्ड ओवर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पार्टनर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो इस रिश्ते में एक अलग तरीके का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं इंसान दिनों में वो अपने प्रोफेशनल लाइफ अपने करियर या जिस भी चीज में अटके हुए हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ अटके हुए हैं वहाँ से आपकी तरफ को उनका पलड़ा यहाँ पर झुकता हुआ नजर आ रहा है अगले सात दिनों में वो एक इस तरह का बैलेंस मेंटेन करने वाले हैं जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू उनकी जिंदगी में महसूस डेफिनेटली होगी द अदर कार्ड ओवर है मून का कार्ड है आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टेट में पाने वाले हैं फेजेस ऑफ मून की तरह उनकी एनर्जी डेफिनेटली चेंज होती रही है और अब भी ये एनर्जी चेंज हो रही है लेकिन वो इस चीज में सक्षम होंगे कि वो एक इफेक्टिव डिसीजन बना लें वो आपकी तरफ को झुकता हुआ एक इफेक्टिव डिसीजन बना लें ले। ओके इस तरह की एनर्जी यहां पर नजर आ रही है आपके पार्टनर अंदर से बहुत ही ज्यादा एंशियस रहने वाले हैं वो अपने डिसीजंस को लेकर फॉर्म तो होंगे लेकिन उन्हें घबराहट बहुत ज्यादा होने वाली है ये यह चीज यहां पर नजर आ रही है कार्ड ओवर हेअर इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर इमोशनल satisfaction को अटेन करना चाहते हैं वो आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहते हैं वो रेनबो के सातों रंग आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर लम्हों को दोबारा से जीना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी अब टेंशंस नहीं आने देना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगने वाला है अगले सात दिनों में कि आप दोनों का जो ओपिनियन है वो डिफर करेगा आपके पार्टनर को ऐसा लगने वाला है इन सात दिनों में कि जब वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे या वो जब आपसे अपनी मजबूरियों की बात करेंगे तो शायद आप उनकी मजबूरी को नहीं समझ पाएंगे आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है लेकिन अगर आपको ये पता है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है तो आप इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है अगर वो अपने जो गलती को गुस्से में भी दिखाने की कोशिश करें ठीक है तो उस गुस्से को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा उनके गुस्से को आपको उस तरह से नहीं समझना है वो जो कहना चाहते हैं उसके पीछे पेन है क्योंकि वो सब कुछ समझ कर ही आपके पास आ रहे हैं वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत इन सात दिनों में डेफिनेटली करने वाले हैं आपके पार्टनर एक नई डायरेक्शन से इस रिश्ते को देखेंगे इन सात दिनों में और एक नई शुरुआत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये डिवाइन का प्लान है डिवाइन चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़े जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है ओवर हेर इज नाइन ऑफ कप्स आप 90% परसेंट इस रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे नो no डाउट आप दोनों के बीच में बहस बसाई हो सकती है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं लेकिन आप डेफिनेटली नाइन्टी परसेंट अपने पार्टनर से कन्विंस हो जाएंगे ओके okay? और आपके पार्टनर आपको एक इमोशनल सपोर्ट देने वाले हैं वो आपके हर सवालों के जवाब देंगे आपको जिन सवालों के जवाब आप उनसे चाहते हैं वो उन सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली देंगे यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा है आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है उन्होंने अपनी गलती को समझने के लिए इतना वक्त ले लिया नो डाउट ठीक है लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद हमेशा रही है कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है ठीक है और अब ये जो पेशेंट्स है वो उन्हें इस रिश्ते को सही करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है यहां पर डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी भी टेम्पटेशन की तरफ को नहीं बढ़ना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थक गए हैं उन्होंने जो डिसीज़न लिया उस डिसीजन से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर चुके हैं उन्हें ज़िंदगी में कोई उत्साह भरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने अंदर उदासीनता लिए हुए चल रहे हैं द अदर कार्ड यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है आपके पार्टनर इमोशनली बिल्कुल रोइन हो चुके हैं आपके पार्टनर ने अपनी गलती की वजह से बहुत कुछ सफ़र किया है और ये जो उन्होंने सफ़र किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं पहले उन्हें यही मतलब होता था कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है अब उन्होंने अपने अंदर की ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें छोड़ दिया है और अगले सात दिनों में आपको ये चीज़ ऑब्जर्व डेफिनेटली हो जाएगी कि आपके पार्टनर आप अपने बारे में ना सोच कर इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है आपके पार्टनर अब आप अंधकार से निकल कर उजाले की तरफ को बढ़ना चाहते हैं और ये उजाला वो सिर्फ आप में देखते हैं आपके पार्टनर एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ को मूव कर रहे हैं और ये जो सिचुएशन है ये जो हालात हैं वो आपके रिश्ते को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर समझ चुके हैं है कि जिस थर्ड पार्टी को वो एंटरटेन कर रहे थे वो थर्ड पार्टी उन्हें अंधकार की तरफ ही लेकर जाएगी वो उन्हें उजाले की तरफ नहीं लेकर जा सकती है और इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और अगले सात दिनों में ये स्टेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉस्पारिटी बिगिन हो जाएगी आप दोनों अपने रिश्ते की एक बहुत ही स्ट्रांग नींव यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरत प्रामिसस करेंगे और उन प्रामिस को निभाएंगे क्योंकि आप यूनिवर्स ये चीज़ चाहते हैं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें और ये रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो जाए जो जर्नी जो, जो आप दोनों ने सेपरेशन देखी है वो सेपरेशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये एक ऐसा या है जहां पर आपका रिलेशनशिप ठीक होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। यहां पर ट्राइव का कार्ड है आपके पार्टनर के जो एफर्ट्स हैं आपकी जो मेहनत है वो जीतने वाली है आपका ये रिश्ता जीतेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर किसी भी हालात में अब इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर की यहाँ पर जो ब्लॉकेज़ हैं वो उन्हें रोक नहीं पाएंगी और बहुत हद तक ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि बहुत सारे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सेवेंटी परसेंट ऑफ यू आप लोगों के पार्टनर आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे इन अगले सात दिनों में टाइमलेस रीडिंग है ओके आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से लेकिन जो वक्त है वो इस तरह से बदल गया है और एनर्जी में इस तरह के चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं ओके सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर वन आई होप जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर इंडिया वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके सो तो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है लेट्स सी सीधा आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट सेवन डेज में वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं नेक्स्ट सेवन डेज में लेट्स सी सीधा अगले सात दिनों में क्या चेंजेस होने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ओके okay. Ace of Cups, Six of Cups, Four of Cups, The Empress. ऑफ वॉर्न एंड सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है लेट्स सी विद पाइल नंबर टू पीपल कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगले सात दिनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं लेट्स सी विद दिस डेक In view. Okay, what else? Triumphant success, Awareness Heart Chakra, Sacral Chakra. कार्ड ट्राइम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है सबसे पहले तो आपके पार्टनर इन सात दिनों में बहुत ही ज्यादा इमोशनल ड्रेनेज फील करने वाले हैं आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने आप को वीक महसूस करेंगे आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि आपका और उनका कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है और आप दोनों एक स्पेशल सी जर्नी पर हैं लेकिन ये जो इमोशनल ड्रेनेज है वो इस वजह से फील करने वाले हैं क्योंकि हालात उनकी फेवर में यहाँ पर उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुके हैं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगा चुके हैं इस जो ब्लॉकेज से निकलने के लिए इस थर्ड पार्टी एनर्जी से निकलने के लिए लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी से अगले सात दिनों में भी निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाएंगे और उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अगले सात दिनों में दुख होने वाला है कि क्यों वो आपके द्वारा दिया गया प्रपोजल ठुकरा कर इस दलदल में फंस गए उन्हें जो बीती बातें हैं उसका रिग्रेट बहुत ज्यादा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है वो अच्छा इस वजह से नहीं है क्योंकि वो उन्हें डिप्रेशन की तरफ को लेकर जाएगा क्योंकि हाथ पांव जो इंसान मार रहा है और वो अचानक से बैठ कर सिर्फ चीजों की अनालिसिस करने लगे तो उसका जो डाउनफॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा डाउनफॉल होता है यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देगी ये थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है आपके पार्टनर अपनी अबंडेंस की तरफ को बढ़ना चाहते हैं वो प्रॉस्पारिटी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाएंगे आपके पार्टनर को अभी किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशूज से घिर गए हैं वो अब अपने आप को और ज़्यादा हर्ट होता हुआ नहीं देख पाएंगे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको बिखरा हुआ महसूस करने वाले अगले सात दिनों में वो इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि वो इस रिलेशनशिप से दूर जाने के बारे में यहां पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं क्योंकि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से थक चुके हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ इस तरह की नज़र आ रही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि उन्हें अब और कोई मेहनत करनी पड़े क्योंकि एक हद तक ही कोई भी इंसान मेहनत कर सकता है आपके पार्टनर ने की है उन्हें इस जर्नी के बारे में पता है लेकिन आई थिंक अब आपको यहाँ पर रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुद को फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं और वो मेहनत करते करते एक पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो गए हैं अब अगर इस रिश्ते में आपको दोबारा से जान भरनी है तो आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना होगा अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिस जाल से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते भी जा रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि वो सक्सेस की तरफ को चल रहे हैं और सक्सेसफुल हो जाएंगे उन्हें अगले सात दिन में भी ऐसा भ्रम होने वाला है लेकिन उनकी जो अवेयरनेस है जो उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके पार्टनर की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी लेकिन जो चेंजेस वो अपने अंदर लेकर आए हैं उससे उन्हें साफ इस चीज़ की इंडिकेशन हो जाएगी कि वो कहीं ना कहीं अपने एफ़र्ट्स में कमी शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं एफर्ट्स में यहाँ पर कमी है ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा फील होगी अगले सात दिनों में और उन्हें महसूस होगा कि वो अपने हार्ट से हार्ट तक आपके हार्ट तक वो सिग्नल्स भेज पा रहे हैं लेकिन हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है ब्लॉकेज क्यों है क्योंकि आपके पार्टनर को इस बात पर यकीन नहीं होने वाला है कि आप तक वो अपने मैसेजेस पहुंचा पा रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज होती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज आपके पार्टनर के सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेज क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं इस वजह से उनके सेक्रल चक्रा में भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है जो कि उन्हें इस रिलेशनशिप को पहले की तरह नहीं ठीक करने देगी ये जो ब्लॉकेज है ये इतनी शार्प होने वाली है कि आपके पार्टनर का जितना भी उत्साह है इस रिलेशनशिप को लेकर वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगने वाला है कि शायद इस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर घबरा रहे हैं आपके पार्टनर जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे इस रिलेशनशिप में इस जर्नी में जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज़ होता हुआ अगले सात दिनों में दिखाई दे रहा है उसका मेजर कॉज ये है क्योंकि आपके पार्टनर ट्राई कर, कर कर के थक चुके हैं उसका बेसिकली मेजर कॉज ये है और यहाँ पर मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन का कार्ड है आपके पार्टनर सोचने बहुत कुछ वाले हैं अगले सात दिनों में वो सोचेंगे कि एक अच्छी चॉइस वो बना लें लेकिन वो एक मेजर डिसीजन नहीं बना पाएंगे जिस रिश्ते में एक स्परिचुअल होना चाहिए उस रिलेशनशिप में एक पार्टनर थकता जा रहा है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस रिलेशनशिप को बचाएं और इस रिलेशनशिप को आप कैसे बचा सकते हैं आपको अपने पार्टनर को हील करना होगा आपको अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी होगी अदरवाइज इस सिचुएशन से आपके पार्टनर नहीं निकल पाएंगे वो पहले भी बहुत पहले की एनर्जी में वो एनजाइटी की एनर्जी में चले गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था आप शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगले सात दिन की एनर्जीज़ में यहाँ पर उनके हार्ट चक्र सीकरल चक्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के बहुत सारे ट्रस्ट इशूज़ होने वाले हैं वो अपने आप को अब हर्ट नहीं करना चाहते हैं वो थक चुके हैं इस जर्नी से वो चाहते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाए इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको आपके पार्टनर की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो so, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहते हैं उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर की हीलिंग और रीडिंग मेरे साथ अपनी बुक कर सकते हैं रीडिंग इसलिए बुक करनी होती है ताकि हम आपकी पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को चेक कर सकें और उसके अकॉर्डिंग ही हीलिंग होती है बीमारी को देखकर ही उसका इलाज किया जाता है तो पहले रीडिंग बुक होती है और फिर ही हीलिंग की जाती है ओके और हीलिंग और रीडिंग दोनों पीठ हैं तो कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली सो so, आई होप जिन्होंने पायल नंबर टू चूज़ किया है उन्हें रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून